हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोमांचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं, वो कंट्री दुनिया में सबसे अलग है। यकीन मानिए, इस देश से या तो आप प्यार करते हैं या नफरत, लेकिन इसे इग्नोर कोई नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है यहाँ पर। पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि ये सोने के बाथरूम्स तक बना देते हैं। दोस्तों, अय्याशी के मामले में इस देश के लोगों को कोई हरा ही नहीं सकता। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोग चोरी करने के नाम से कांपते हैं, क्योंकि यहाँ चोर के हाथ नहीं बचते। दुनिया की सबसे महंगी शादियाँ और सबसे महंगी गाड़ियाँ यहीं मिलती हैं। यहाँ की गर्मी और यहाँ के लोगों के अंदर जो पैसों की गर्मी है, उसे कोई नहीं हटा सकता। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के। इस देश से जुड़ी हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। वेल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और ये वेस्टर्न एशियन कंट्री है। इसका बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और देश की कुल आबादी है इस समय लगभग 3,53,00,000 के आसपास। यहाँ की 84% जनसंख्या शहरों में रहती है, जबकि गाँव में सिर्फ 16% लोग रहते हैं। ये देश अभी भी बहुत जवान है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र है 31 साल। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान हैं। दरअसल ये देश शरीयत कानून के मुताबिक चलता है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। ये देश पानी पीने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी फिल्टर करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस देश में आज से कुछ साल पहले पानी को लेकर जितनी दिक्कतें थी, वो सब अब पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर स्थित है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए हर कोई वहाँ पे जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीनों में से एक बन चुकी है। इन दोनों ही जगहों पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है। हालांकि पिछले साल और इस साल दुनिया ने जो परेशानियां झेली हैं, उसे देखकर इस देश में बाहर से आने वाले लोगों पे अभी बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम लोग आ सके पवित्र स्थल मक्का और मदीना के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वही हाल इस समय इस देश का भी है। यहाँ पर पैसों की कोई कमी ही नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देशों में से एक है सऊदी अरब। कहते हैं कि इस देश में आपको हर जगह पैसों की ताकत और जलवा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हर जगह महंगी महंगी चीजें ही देखने को मिलेंगी। आप ये देखकर चकित हो जाएंगे कि कैसे यहाँ पे विपरीत स्थिति होने के बाद भी चीजों को बेहतर किया गया है। सऊदी अरब को उसके अजीबोगरीब कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर गंदी फिल्म देखने पे सख्त पाबंदी है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो बस समझ लेना आप गए काम से। इस देश में आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते, और यहाँ सुअर के मांस पे भी बैन है। यहाँ के नियम ही यहाँ की पहचान है। जिसने भी यहाँ के नियम को तोड़ने की जरूरत की, वो गया काम से। सऊदी अरब में 2018 तक सिनेमा पर बैन था, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि वो फिल्में देख सकें। पर अब सरकार ने सिनेमा पर लगे बैन को हटा लिया है, और अब यहाँ सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाती हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पे कई सारी फिल्में नहीं रिलीज की जाती। अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन्स हैं, तो उसे इस देश में दिखाया नहीं जाता। सऊदी अरब में भयानक गर्मी पड़ती है, ये बात तो सबको पता ही है। लेकिन आपको बता दें कि इस देश में इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम दो शिफ्ट में किया जाता है। एक है मॉर्निंग शिफ्ट, यानी कि सुबह 5 से 10 बजे तक, और उसके बाद शाम में 5 बजे से रात के 10 बजे तक। दिन के बीच में सब आराम करते हैं। मजदूरों के लिए दिन के समय धूप में यहाँ पे काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर कई बार टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब है कि उस समय आपको सऊदी में बहुत ही कम लोग बाहर दिखाई देंगे। सऊदी अरब के लोगों को सिगरेट पीने की बहुत ही बुरी लत है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है सिगरेट इंपोर्ट करने के मामले में। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार ने साल 2012 से ही सरकारी ऑफिसेज में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है। और यहाँ पर बैन का मतलब बैन होता है, जो नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया उसकी खैर नहीं। खैर, ये तो आप जानते होंगे। अगर आपका भी कभी सऊदी अरब जाने का प्लान है, तो यहाँ के सारे नियम कानूनों के बारे में जानकारी रख के ही जाइएगा, नहीं तो हो सकता है आप परेशानी में फंस जाएं। दोस्तों, जहाँ तक बात रही सेफ्टी की, तो ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक मानी जाती है। सऊदी अरब में क्राइम नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसने यहाँ पर गलत काम किया, उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। और बस ये मत पूछिएगा कि वहाँ पे क्या होता है, आप खुद ही रिसर्च करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यही वजह है कि इस देश में चोरी की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि चोरी करने वाले के हाथ नहीं बच पाते। अब भाई, यहाँ पे ऐसे में कौन रिस्क लेगा। वैसे तरीका सही है, क्योंकि जब तक क्रिमिनल के अंदर डर नहीं होगा, तब तक गुंडागर्दी कम नहीं हो सकती।
वेल फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सऊदी अरब अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टायर जिसका नाम किंगडम टायर है वो बना रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगर हम इस टायर की ऊंचाई की बात करें तो ये 3280 फीट यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टायर दुबई में है, बुर्ज खलीफा उसका नाम आपने सुना ही होगा। उसकी ऊंचाई 600 फुट है। आप सोचिए कि जब एक बार ये बन जाएगा तो ये कितना बड़ा लगेगा। लगता है कि आजकल बड़े बड़े टावर्स को बनाने का फैशन हो गया है और ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक जरिया भी है। ऐसे में कोई भी देश इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मीट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। जेद्दा शहर को बेबी ऊंट का मीट उत्पादन करने की विशेषता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में ये मीट तो पॉपुलर है ही, लेकिन आजकल बेबी ऊंट के मीट को देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या बात है, हर तरफ से पैसे आते रहने चाहिए। जब भी यहाँ पर कोई बड़ी दावत दी जाती है तब सबसे ज्यादा इसी मीट से बनी हुई बिरयानी को लोग पसंद करते हैं। फिर दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी शादी भी इसी देश में देखने को मिलती है। सऊदी अरब की शादियों में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन रहता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर फूलों से मंडप को बनाया जाता है, बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स बुक किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि सऊदी अरब की शादी यानी कि फुल ऑन पार्टी, देश विदेश से लोग आते हैं मस्ती करने। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सऊदी अरब के लोगों को न सिर्फ महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने का शौक है बल्कि इन्हें वीआईपी नंबर्स रखने का भी बहुत शौक होता है। यहाँ पर वीआईपी नंबर रखने के लिए लोग लाखों में पैसा लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में लोगों को बस बहाना चाहिए कैसे भी पैसे उड़ाने हैं। दोस्तों, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग कितने अमीर होते हैं। तभी तो यहाँ के लोगों के बीच में साइडवॉक कार ड्राइविंग बहुत फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के युवा अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को 2 पहियों पे चलाते हैं। ये वहाँ का नया स्टाइल स्टेटमेंट है। माना जाता है कि यहाँ के लोग छुट्टी वाले दिन अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करते हैं। हालांकि है तो ये बहुत ही खतरनाक, लेकिन यहाँ के युवाओं में पैसों की बहुत गर्मी है। कई बार इसकी वजह से बड़े हादसे भी हुए हैं, लेकिन इन्हें कौन मना करेगा क्योंकि ये सबके सब पैसे वाले होते हैं। आपको बात जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के लोग बहुत ही आलसी होते हैं। इतने आलसी कि आप इनके बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ के लोग अपना काम खुद से करना जानते ही नहीं है। जो इस देश में बेसिकली पैदा हुए हैं वो वाकई में अरबी हैं। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। सबके सब अरबों रुपए के मालिक हैं। ऐसे में दोस्तों, ये अपना कोई भी काम खुद से नहीं करते। तभी तो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा नौकरों का काम करते हुए आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग बेचारे करें भी तो क्या करें। हालांकि लॉकडाउन लगने की वजह से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों के लिए इस देश में नौकरी की कमी हो गई है। क्या आपको पता है कि सऊदी अरब की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ दफन नहीं कर सकते। साथ ही दोस्तों, इस देश में महिलाओं के लिए बहुत कड़े नियम हैं, जिनमें से एक ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे विदेश यात्रा पे नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसा पति कहता है वैसा ही पत्नी करती है। ये इस देश का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन क्या ही कहेंगे, जहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा होता है वहाँ पे कई बार महिलाओं को परेशानी भी होती है। दोस्तों, सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पे दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि उत्तर में अल नाबूद और साथ ही रूबल खलीबे। इस देश का 95% हिस्सा रेत से ही भरा हुआ है। लेकिन आज ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये सब तेल की देन है और दुनिया का हर देश इस देश की तरफ उम्मीद की नजर से ही देखता है। सऊदी के कुछ और अपने नियम कानून हैं जिसका पालन हर कोई करता है। बता दें कि सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाजत के पिक्चर नहीं ले सकते, और ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसे सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी अरब में जाने वाले टूरिस्ट को दे दी जाती है। यहाँ पर आपको हर हाल में इनके नियमों को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पे आपको सजा मिलती है। सऊदी अरब के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक नहीं है। ये हालांकि आज से 10 साल पहले तक की बात थी, आजकल ये फिर भी थोड़े समझदार हो गए हैं और इनको समझ आ गया है कि अब सिर्फ तेल बेच के काम नहीं चलने वाला। आपने ये तो सुना ही होगा कि जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म। माना जाता है कि यहाँ के बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते, हालांकि अब ये नजरिया बदलने लगा है। अब यहाँ के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। मजे की बात तो यह है कि यहाँ के स्कूल्स में सबसे ज्यादा इंडियन टीचर्स ही आपको मिलेंगे। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सऊदी अरब अपने यहाँ के कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील दिए जाने से वहाँ के नागरिकों की जिंदगी में तो बदलाव और आसानी हो ही रही है, साथ ही पर्यटकों के लिहाज से भी ये फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब अब महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे चुका है। हाल ही में सऊदी ने विदेशी कपल्स को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल रूम शेयर करने की भी इजाजत दे दी। इसके अलावा अब कोई महिला भी अकेले होटल में रूम लेके रह सकेगी। इन कदमों के जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। दोस्तों, चूंकि इस देश में आपको सबसे ज्यादा ऊंट नजर आएंगे, आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रियाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट का मार्केट लगता है। यहाँ पर आपको चारों तरफ ऊंट ही ऊंट नजर आएंगे। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पे एक दिन में 100 से ज्यादा ऊंट बेचे और खरीदे जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रियाद देश का राजधानी शहर भी है।
सऊदी अरब में सऊदी रियाल करेंसी के तौर पे चलता है, जो लगभग 19 भारतीय रुपए के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको सऊदी अरब की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपने कभी इस देश की सैर की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।